Assalamualaikum, वेलकम टू Phonebolee.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं दो बजट स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूं। एक तरफ मेरे पास है Infinix स्मार्ट 5 जबकि दूसरी तरफ मेरे पास है Redmi 9A। अब दोनों स्मार्टफोन जो है वो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन है बल्कि यहाँ पे एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग की प्राइस के ऊपर लॉन्च किए गए हैं। अब यहाँ पे Redmi 9A फिर भी थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है जबकि Infinix स्मार्ट 5 जो है वो कल की तारीख के अंदर लॉन्च किया गया है और काफी ज्यादा एक्साइटिंग कीमत के ऊपर लॉन्च किया गया है। आज की वीडियो के अंदर सही से देखेंगे दोनों स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ में आज की वीडियो को लाइक भी कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 150 लाइक का रखा है। अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन को अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिजाइन वाइज और दिखने में दोनों स्मार्टफोन फ्रंट साइड से बहुत ज्यादा सिमिलर है। दोनों के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है और यहाँ पे डिस्प्ले का साइज भी काफी हद तक सिमिलर है। Infinix स्मार्ट 5 के अंदर आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है जबकि Redmi 9A के अंदर 6.53 इंच का डिस्प्ले है और यहाँ पे डिस्प्ले भी IPS वाला इस्तेमाल किया है डेफिनेटली क्योंकि बजट सेगमेंट एंट्री लेवल के अंदर यही डिस्प्ले चल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे रेजोल्यूशन भी आपको 720p की ही मिलती है। यहाँ पे यानी कि YouTube वगैरह के ऊपर जब आप स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वालिटी 720p तक की मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फर्दर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। यहाँ पे Redmi 9A की बैक साइड के ऊपर जो टेक्सचर टाइप का इफेक्ट इस्तेमाल किया गया है जबकि Infinix स्मार्ट 5 की जो बैक है वो ग्लॉसी फिनिश की है तो डेट मीन्स यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आपको काफी ज्यादा मिलने वाले हैं जबकि Redmi 9A के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है और यहाँ पे आपको स्क्रैचेस वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। जबकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट के जो निशानात होते हैं वो भी आपको स्मार्ट 5 के अंदर ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू Redmi 9A। जबकि दोस्तों यहाँ पे बात की जाए ओवरऑल कैमराज और परफॉर्मेंस वगैरह की लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें कि अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन से मुताल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप Phonebolee.com को विजिट कर सकते हैं या फिर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। Phonebolee.com के ऊपर आपको तमाम स्मार्टफोन की प्राइजेस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट वगैरह मिल जाती है। तो आज के कंपैरिजन के बाद Phonebolee.com को लाजमी चेकआउट करिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कैमरास की साइड से तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है तो इतना ज्यादा कैमरे की क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी देखा जाए तो कैमरे की क्वालिटी काफी हद तक बेहतर आने वाली है। यहाँ पे Infinix स्मार्ट 5 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जबकि Redmi 9A के अंदर आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि Infinix स्मार्ट 5 के अंदर जो कैमरा सेटअप है वो एक्चुअल में सिंगल कैमरा ही है, बाकी के जो लेंसेस हैं वो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, सिर्फ वो AI के लेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो यानी कि दोनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सिंगल कैमरे के ऊपर ही बेस करेगी और यहाँ पे जो कैमरे का मेगापिक्सल है प्राइमरी लेंस का वो 30 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे मुझे Redmi 9A की क्वालिटी काफी तक इंटरेस्टिंग लगती थी क्योंकि प्राइस टैग के ऊपर अगर रह के देखा जाए तो Redmi 9A आपको काफी तक अच्छी क्वालिटी देता है। अब Infinix स्मार्ट 5 के एक्चुअल कैमरा रिजल्ट्स के बारे में तो मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि ये स्मार्टफोन मैंने तक अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है लेकिन बहुत जल्द आपको ये सारी चीजें भी मैं कंफर्म कर दूंगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि जब मैं इन सब बारे में वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। फर्दर दोस्तों सेल्फी कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे Infinix स्मार्ट 5 के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि Redmi 9A के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब दोनों का सेल्फी कैमरा बस एवरेज होने वाला है और काफी तक सेम क्वालिटी का होने वाला है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा दोनों के अंदर। फर्दर यहाँ पे बात की जाए परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आई थिंक Redmi 9A की जो परफॉर्मेंस है वो स्मार्ट 5 के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मीडियाटेक G25 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है जो कि एंट्री लेवल का गेमिंग सेगमेंट का प्रोसेसर है। गेमिंग कंप्लीट तो नहीं अच्छी होती इसके ऊपर लेकिन फिर भी अगर इसके प्राइस टैग के ऊपर रह के देखा जाए तो Redmi 9A दोस्तों नो डाउट आपको काफी तक अच्छी क्वालिटी गेमिंग दे देता है। जबकि यहाँ पे Infinix स्मार्ट 5 के अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया वो है मीडियाटेक हीलियो A20 का और यहाँ पे जो गेमिंग है वो काफी हद तक लो क्वालिटी की होगी और आपको स्मार्टफोन के अंदर लैग वगैरह मिलेगा क्योंकि ये जो है बेसिकली क्वाड कोर प्रोसेसर है और काफी तक लो परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक G25 जो कि बेसिकली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। फर्दर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए बैटरी साइड से तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, 10 वॉट की चार्जिंग है और इसके अलावा माइक्रो USB की आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का फिलहाल के लिए एक एक वेरियंट ही आपको लोकल मार्केट के अंदर मिलेगा जो कि है 2GB RAM और 32GB स्टोरेज का। और यहाँ पे दोस्तों इससे बात की जाए ओवरऑल कंपैरिजन विनर की और यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की तो यहाँ पे Infinix स्मार्ट 5 की जो ऑफिशियल प्राइस है वो 15,000 की रखी गई है जबकि Redmi 9A आपको 14,600 की ऑफिशियल प्राइस पे मिल जाता है। मार्केट डिस्काउंट की बात की जाए तो Redmi 9A के ऊपर आपको तकरीबन आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस मिलती है वो तकरीबन 13,500 के आसपास की है और Infinix स्मार्ट 5 क्योंकि नया नया स्मार्टफोन है तो यहाँ पे आपको आफ्टर डिस्काउंट प्राइस तकरीबन 14,500 की मिलती है। और मेरे हिसाब से कंपैरिजन विनर यहाँ पे Redmi 9A है क्योंकि ये स्मार्टफोन काफी तक बेहतर है एज कम्पेयर टू स्मार्ट 5 और यहाँ पे
आपको काफी तक अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू स्मार्ट 5। जबकि स्मार्ट 5 भी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली एज कम्पेयर टू रेडमी 9 है। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर लुक की साइड से देखें तो यहाँ पे स्मार्ट 5 डेफिनेटली काफी तक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लगा और आप लोग इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक टारगेट पूरा करना मत भूलिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर गेमिंग रिव्यूज, कंपैरिजंस, स्पीड टेस्ट वगैरह आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।